सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। 1988 के रोड रेज मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट के वलों नवजोत सिंह सिद्धू नूं दित्ती गई एक साल की सज़ा तो बाद पूरे भारत का खास तौर पर पंजाब का माहौल हुण पखदा दिखाई दिंदा है। मन्निया जा रहा सी कि फैसला आउंदिया सार ही नवजोत सिंह सिद्धू सरेंडर कर देणगे अते जेल दे विच चले जाणगे, पर इस दे बिल्कुल उल्ट नवजोत सिंह सिद्धू दे वलों सुप्रीम कोर्ट दे विच इह अपील पा दित्ती गई कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, इस करके सरेंडर करन दे लई कुछ हफ्तियां दा समां मैनू दित्ता जाणा चाहीदा है। अते हुण सुप्रीम कोर्ट दे वलों एक झटका नवजोत सिंह सिद्धू नूं दे दित्ता गया है कि तुहाडी पटीशन तुहाडी अपील ते फौरी तौर ते सुनवाई नहीं कीती जा सकती है, अपने वकीलां नूं कह के इस संबंधी अर्जी दाखिल करो। कहण दा मतलब यह है कि फौरी तौर ते उस वेले ही नवजोत सिंह सिद्धू की अपील से फैसला सुप्रीम कोर्ट के वलों नहीं दिता जाएगा। इसका मतलब हुण यह निकलता है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं जेल जाना ही पवेगा। हुण वेखण वाली गल होएगी कि नवजोत सिंह सिद्धू आप ही सरेंडर करते हैं जां फिर पंजाब पुलिस के वलों उन्हां नूं गिरफ्तार करके जेल के विच भेजा जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू नूं तां झटके लग ही रहे ने, पर सियासी लोगों के वलों भी प्रतिक्रियावां दित्तियां जाण लग पईआं ने। श्रोमणी अकाली दल दे यूथ विंग दे प्रधान परमबंस सिंह बंटी रोमाणा दे वलों नवजोत सिंह सिद्धू की इस अपील नूं लैके तंज कस दिता गया है। एक ट्वीट किया है बंटी रोमाणा ने, अपने ट्वीट दे विच उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू नूं एक सवाल पूछा है। ट्वीट दे विच बंटी रोमाणा लिखते ने, हाथी ते चढ़न वेले तां सेहत वधिया सी, सरेंडर करन वेले चित काऊ माऊ हुंदा है। यह सवाल पूछा है वेयर इज द सबमिट टू मजिस्ट्री ऑफ लॉ। कल ट्वीट किया गया सी नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों, उस ट्वीट बारे पूछ लिया गया है कि वह हुण कित्थे है, जिहड़ा तुसीं कल कहिंदे सी कि सीधे तौर पर मैनू फैसला मंजूर है, रात के व्यापारी लदे गए। इत्थे पंजाबी बंटी रोमाणा की थोड़ी खराब है, पर कहण दा मतलब उन्हां दा यह है कि जदों हाथी ते चढ़ के रोस प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों किया जा रहा सी उदों सेहत ठीक सी, हुण जेल जाण वेले चित काऊ माऊ क्यों करता है, मजाक उड़ाया है बंटी रोमाणा ने। गल जेकर श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान दी कीती जावे तां सुखबीर सिंह बादल ने इस मसले ते कुछ ज्यादा नहीं आखिया है। सुखबीर बादल ने सिर्फ इन्ना ही कहा कि पीड़ित परिवार दे वल्लों बड़े देर तो इंसाफ मंगया जा रहा सी, कोर्ट ने इंसाफ कर दिता है। देखो बड़े देर दे परिवार इंसाफ दी गल कर रहा सी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया। अकालियों तो बाद विरोधियों तो बाद गल जेकर नवजोत सिंह सिद्धू दे अपने की कीती जावे तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा दुख नहीं है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नवजोत सिंह सिद्धू नूं मिलन तक नहीं पहुँचे, जबकि जिहड़े नवजोत सिंह सिद्धू दे धड़े दे कांग्रेसी आगू सन उन्हां दा जमावड़ा सवेर तो ही नवजोत सिंह सिद्धू दे पटियाले वाले घर दे विच वेखण नूं मिलिया। पुछया गया राजा वड़िंग नहीं आए, तुसीं आ गए हो? कहिंदे ने जाके राजा वड़िंग नूं पुछो, असीं तां आउंदे सी ते हुण भी आए हाँ, चंगे माड़े समय दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल खड़े हाँ। राजा वड़िंग सन संगरूर दे विच, उत्थे उन्हां तों पुछिया गया कि सिद्धू नूं हुई इस सज़ा बारे तुहाडा की कहना है। कहिंदे ने मैनूं बड़ा अफसोस है। मैं इहदे ते कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहुंदा कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट दा हुक्म अनुसार होया, लेकिन मैनूं अफसोस है कि ऐसा किसी भी व्यक्ति नाल नहीं होना चाहिए और नवजोत सिंह सिद्धू नाल परमात्मा करदा कि नहीं होना चाहिए सी जो भी होया। मैनू इस ते खेद भी है, मैनू इस ते अफसोस भी है, क्योंकि पॉलिटिक्स दे विच गल्लां होर हुंदियां, लेकिन एज ए इंसानियत साढ़े वड्डे भरा ने, वो मैं उन्होंने बहुत प्यार करदा एंड ये नहीं होना चाहिए सी जो भी होया, मैनू बहुत अफसोस है। राजा वड़िंग तो इलावा गल जेकर भुलथ तो कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खहरा की कीती जावे तो खहरा भी नवजोत सिंह सिद्धू दीआं मीटिंगां दे विच अक्सर ही वेखे जांदे सन, पर हुण जदों नवजोत सिंह सिद्धू नूं एक साल की कैद हो गई है तो नवजोत सिंह सिद्धू दे घर सुखपाल सिंह खहरा नहीं पहुंचे, पर उन्हां दे वल्लों एक ट्वीट जरूर सिद्धू दे पक्ष दे विच कर दिता गया है। सुखपाल सिंह खहरा ने ट्वीट करके लिखिया कि यह खबर सुन के बहुत दुख लगा है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं ਇਹ ਸਜ਼ਾ
हो गई है। कानून सारियां मनना चाहिए है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कह दिता है कि उन्होंने फैसला मंजूर है, पर नाल दी नाल खैरा ने यह भी लिखा कि इत्थे हजारां की गिणती दे विच कानून तोड़न वाले जिहड़े असली कानून तोड़न वाले ने अते भ्रिष्ट पॉलिटिशियन अते पावरफुल जिहड़े अफसरशाही है वह तुरे फिरदे ने, पर उन्होंने अजे तक सजावां नहीं दित्तियां जा रही, उन्होंने भी सजावां मिलनियां चाहीदियां ने। यह कहण की कोशिश इत्थे सुखपाल सिंह खैरा दे वल्लों अपने ट्वीट दे विच कर दित्ती गई है। ये तो हो गए वह कांग्रेसी जिन्हां नूं दुख लगा है कि सिद्धू नूं सज़ा क्यों हो गई है। हुण गल करदे आं उन्हां कांग्रेसियां दी जिन्हां दे पैर पुंजे नहीं लगते, जिहड़े बागो बाग ने। सुखजिंदर सिंह रंधावा तो पुछया गया कि कांग्रेस पार्टी दे लई माड़ा दिन चढ़िया, दोवें साबका कांग्रेस दे प्रधानां नूं झटका लग गया, एक चलिया गया बीजेपी दे विच, दूजे नूं सज़ा हो गई। रंधावा कहिंदे ने माड़ा दिन होएगा तुहाडे लई, कांग्रेस पार्टी लई चंगा दिन है। देखो तुहाडे लई माड़ा दिन हो सकदा, कांग्रेस लई माड़ा दिन नहीं जी। साढ़े जो तीन महीने पहला जिस दिन चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने ने, उस दिन ही दोनों ने बोलना स्टार्ट कर दिता सी। साड़ी पार्टी हाईकमांड ने उस दिन टाइमली एक्शन नहीं किया, जे उस दिन एक्शन करके दोनों नू पार्टी चो कढ दिता जांदा शायद पंजाब च पार्टी दी बुरी तरह हार ना होंदी। सुखजिंदर सिंह रंधावा दे वांग राणा गुरजीत सिंह जिहड़े कि कपूरथला तो विधायक ने, वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश ने। वह कहिंदे ने कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं हुण सज़ा हुई है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहुंदा, बस इन्ना ही कहना चाहुंदा हाँ कि जेल दे विच उन्हां दे कोल काफ़ी समा होएगा अते आत्म मंथन नवजोत सिंह सिद्धू नूं करना चाहिए है। उन्हां दी जबान AK-47 की तरह चलती है, जेकर होर किसी नूं सज़ा हो जाती तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बोलण लग्या आसा पासा भी नहीं वेखना सी, पर मैं नवजोत सिंह सिद्धू बारे कुछ भी नहीं कहना चाहुंदा, बस इन्ना ही कहना चाहुंदा हाँ कि सिद्धू ने तो चोणा तो पहला कहा कि मैं राजे राणिया नूं साफ कर देना है, अते हुण आप ही वह हार भी गए ने अते उन्हां नूं सज़ा भी हो गई है, वह दोषी करार दिते जा चुके ने, वह कातल साबित हो चुके ने। सज़ा होवे भावें 100 दिनां दी अते भावें होवे 1 दिन दी, सज़ा सज़ा ही हुंदी है अते वह सज़ा नवजोत सिंह सिद्धू नूं मिल गई है। नवजोत सिद्धू भाजपा का बंदा है, छेती ही भाजपा दे विच जा भी सकता है। अजिहे तिखे हमले इत्थे राणा गुरजीत सिंह दे वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू ते कर दिते गए ने, वह भी काफ़ी खुश ने कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं ये 1 साल की कैद हो गई है। पीड़ित परिवार ने लगातार एको ही गल पीड़ित परिवार दे वल्लों कही जा रही है कि असी एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे सां, इस दे विच इंसाफ मिलिया है, देरी हो गई है, चलो इंसाफ मिल गया है, इस तो ज़्यादा असी कुछ भी नहीं कहना चाहते। पर हुण इस सब दे विच नवजोत सिंह सिद्धू की कर सकते ने? कानूनी माहिरां दा मनना है कि वह सुप्रीम कोर्ट दे विच एक अपील पा सकते ने, जिस नूं कि नरमी दी अपील कहा जा सकता है, पर वह कोर्ट ते ही निर्भर करेगा, अदालत ही निर्भर करेगा कि वह अपील नवजोत सिंह सिद्धू की वह अपील स्वीकार करनी है, उस ते सुनवाई करनी है, उसनू वेखना है, घोखना है जां फिर नहीं, जां फिर रिजेक्ट ही कर देना है, यह सारा कुछ अदालत ते ही निर्भर करता है। पर लग रहा है कि एक बार नवजोत सिंह सिद्धू नू अदालत दे विच जरूर जाना पवेगा। पर इत्थे एक सवाल असीं तुहाडे कोलों पुछ लेना चाहुंदे आ कि तुहानू की लगता है जिस तरीके नाल नवजोत सिंह सिद्धू नू 1 साल की कैद हो गई है, तुहानू उन्हां दा सियासी भविख पंजाब दे विच की लगता है, की बनेगा उन्हां दा, तुहानू की लगता है? जो भी तुहानू लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इस तरह ही हर खबर नूं निरपक्षता नाल वेखदे रहना चाहुंदे हो तो यूट्यूब ते द पंजाब टीवी दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली वार फिर हाजर होवांगा, तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।